अजमेर जीआरपी थाना पुलिस को 8.5 किलो सोने के आभूषण चोरी होने के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 2 और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में अभी भी 3 आरोपी फरार हैं, जिनसे सोने की रिकवरी की जानी है। मामले की जानकारी देते हुए उप अधीक्षक श्यामलाल मीणा ने बताया कि विगत 8 जनवरी 2019 को परिवादी नरेंद्र कुमार ने थाने में मामला दर्ज कराया कि वह 6 जनवरी को बांद्रा उदयपुर एक्सप्रेस से बोरीवली से उदयपुर के लिए यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान उनके पास रखा 8.5 किलो सोना, जिसकी कीमत करीब 3.25 लाख रुपए थी, वह किसी अज्ञात युवक ने पार कर लिया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए इस मामले में दिनेश चौधरी नरपत माले को पहले ही गिरफ्तार किया है, लेकिन उनसे रिकवरी में कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद अब पाली निवासी दीपक जोशी और लक्ष्मण को गिरफ्तार किया गया है। दीपक जोशी अन्य वारदातों में भी लिप्त पाया गया है, जिससे पूछताछ में अन्य वारदात खुलने का भी अंदेशा है। गौरतलब है कि इस लूट में शोरूम मालिक नरेंद्र विपुल का कर्मचारी ही शामिल था। ये 7 जनवरी की घटना है। ये बॉम्बे से एक कोरियर माल लेकर आया था, उसमें 8.5 किलो गोट था, जो निम्बेड़ा सर्किल में चोरी हुआ। थाना क्षेत्र है ये, चित्तौड़गढ़। काफी प्रयास के बाद में 2 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। पहले उसमें एक का नाम है नरपत और दूसरे का नाम है दिनेश चौधरी। दिनेश चौधरी ये जो ये क्या नाम इसका है, यस गोल्ड है, उसका नौकर है, जिसने सूचना दी। उसकी सूचना पे इस वारदात को अंजाम दिया गया है और हमारे प्रयास से ये मुलजिम नामजद हुए। और इसी सूचना पर एक मुलजिम दीपक जोशी, जिसको सुमेरपुर में गिरफ्तार करवाया गया, और एक मुलजिम गुजरात में गिरफ्तार किया गया। उन दोनों मुलजिमों को आज प्रोडक्शन वाले को लिया गया है और इनसे 33 जाए। 2 मुलजिम जो गिरफ्तार हुए थे पहले, उनको इन मुलजिमों ने कोई माल नहीं दिया था, केवल ये सूचना देने वाले हैं, ये वारदात के समय उनके साथ नहीं थे, इसलिए उनसे कोई रिकवरी नहीं हुई। दीपक जोशी से रिकवरी होने की पूरी संभावना है, क्योंकि मुख्य अभियुक्त ये दीपक जोशी है। इसके साथ और मुलजिम है, जो दीपक जोशी से पूछताछ के बाद में नाम सामने आए हैं। अभी ये संख्या आई है कि लगभग 7 मुलजिम है। दीपक जोशी सुमेरपुर का रहने वाला है, जिसमें बालीथाना क्षेत्र का रहने वाला है।